पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। स्टार्ट। थैंक यू। तो आपको पता चल गया कि आज हमारा टॉपिक क्या है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डाइपोल की एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पॉइंट इस एक्सिस के अलॉन्ग था। आज हम देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ है, इसके इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर का मतलब क्या है, बराबर बराबर। तो ये कोई डाइपोल की लेंथ है 2a, तो इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये O, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस लाइन पर वो पॉइंट सिचुएटेड होगा। तो ये परपेंडिकुलर मान लिया बाइसेक्टर है, तो वो पॉइंट पोजीशन जो है, वो पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस डायपोल की वजह से, वो पॉइंट P हमारा ये है। तो इसको हमने माइनस क्यू चार्ज से मिला दिया सेंटर से, और इसको प्लस क्यू से मिला दिया। डायपोल कैसे बना, एक माइनस क्यू रखा हुआ, एक प्लस क्यू रखा हुआ, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया, वो डिस्टेंस आर है, उस पॉइंट जो वहां पर जो पॉइंट पी सिचुएटेड है वहां पर हमें इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हम सेपरेट फील्ड्स देखेंगे कि ए पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई ए है। ए सफिक्स में लगा लिया है हमने जस्ट सो दैट द फील्ड इज ड्यू टू द माइनस चार्ज क्यू विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। सिमिलरली वी विल राइट द सेम थिंग एक्सेप्ट द सफिक्स चेंजेस टू बी, ए से बी की सफिक्स चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। अब चलिए, हमने ये बताया कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड, तो इसी लाइन के आउटवर्ड हो गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब ये जब हमने लाइन खींची ये डायपोल के साथ, डायपोल की एक्सिस के साथ एक एंगल मान लिया थीटा बना रही, तो वही एंगल यहां भी थीटा है क्योंकि वो पॉइंट इक्वेटर पर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है। तो ये इस पर यानी पॉइंट बी पर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा ई बी। लेकिन अब आप पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई चीज किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल अलाइन करती है तो वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और वो कौन कौन से कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस एक्स कंपोनेंट, एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट मींस अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। So this EB will broken into its component. One is EB sin theta means a component which is perpendicular to the dipole axis, means this axis के ये perpendicular हो गया y direction में, और parallel to the horizontal axis EB क्या होना चाहिए, cos theta, और ये angle theta यहां पर है। फिर से समझिए, प्लस चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गई, दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी विल बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस ईबी कॉस थीटा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अब माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी वो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा ही होगा ईवन को हम माइनस क्यू के अंदर की ओर लेते हैं, तो ये ई बी बाहर की ओर जा रही थी इस लाइन से, तो अब इस लाइन पर क्या होगा, ये ई ए अंदर की ओर आ रही होगी, कहां, टुवार्ड द माइनस चार्ज। ये भी क्या करेगी डायपोल एक्सिस के साथ एक वही एंगल थीटा बनाएगी। अब ये भी वही काम कर रही है, तो इसके भी दो कंपोनेंट कौन कौन से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल इसी डायरेक्शन में तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू माइनस इसके जस्ट अपोजिट होगी। अगर प्लस की डायरेक्शन ये है तो माइनस की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा
वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये जो वैल्यू होगी ये होगी ई ए साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इसी लाइन पर, इसको एस पॉइंट कह देते हैं। पी एस के अलॉन्ग ही होगा इसका भी कंपोनेंट, वहां ई बी कॉस थीटा था तो इस हम ई बी ऊपर लिखे दे रहे हैं, जगह कम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, एक ई ए साइन थीटा हो गया, एक ई ए कॉस थीटा होगा। तो इस पॉइंट पी पर ये दो कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, देयरफॉर दे विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। क्यों इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बस अलग अलग है, दोनों ही पॉइंट चार्जेस सेम है इक्वल मैग्नीट्यूड के, बस उनका जो साइन है वो अलग अलग है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी वो पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस मिलेगी, जहां पर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हमने कह दिया वो E है वैल्यू, और वो है मैग्नीट्यूड में ही बात कर रहे हैं, वो EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा। इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं। अब हम EB cos थीटा, EB की वैल्यू निकालने पहले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू प्लस चार्ज, क्या फार्मूला हमारे पास था, 1/4πε0Q/r2। और R के लिए आप क्या लेंगे, पीबी लेंगे। तो अब पीबी निकाले पहले, फिर से डायग्राम में आ जाए, ये 2a था, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस 2a को उसने a में डिवाइड कर दिया, इसको o मान लें अगर सेंटर, और ये बचा हुआ भी a है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, दो एंगल इक्वल हैं, दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, और ये एक कॉमन परपेंडिकुलर दोनों में है। ठीक, तो जो वैल्यू इस हाइपोटेन्यूज की होगी वही वैल्यू इस हाइपोटेन्यूज की होगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी वही आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं इस पॉइंट पी पर, क्यू की वजह से, तो वो पॉइंट का सेपरेशन कितना है, अंडर रूट में, और यहां पर चूंकि आपको स्क्वायर लगाना होता है तो ये स्क्वायर लग गया, ये स्क्वायर लगने की वजह से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, सिर्फ मिलेगा हमें 1/4πε0Q/r2+a2। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट बी पर वो इतना आ गया। अब ये डिस्टेंस तो बदल नहीं रही है, ये पॉइंट पी बी से जितनी डिस्टेंस पे था उतनी ही डिस्टेंस पे लाई कर रहा है माइनस क्यू से भी। तो सिमिलरली वी विल गेट द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। व्हाट विल बी दैट मैग्नीट्यूड, जस्ट इक्वल टू द एक्सप्रेशन जस्ट अबव दिस लाइन, मीन्स वी विल गेट द same value. So the electric field at point B at point A is equal in magnitude. Hence we can say that magnitude of EB is equal to magnitude of EA. और जब दो equal fields हैं, तो ये दोनों component equal होने की वजह से, अलग अलग direction में, opposite direction में होने की वजह से एक दूसरे के effect को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए हमने कहा +2 -2 मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ 2-2 का, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो टोटल हमें क्या मिलेगा, 0। इसलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो इक्वेशन वन में हमने लिखा। अब इक्वेशन वन में हमें ईबी की वैल्यू चाहिए, ईए की वैल्यू चाहिए। ईबी और ईए की वैल्यू हमारे पास सेम है, जिससे हमने ये निकाल लिया रिजल्ट कि ईबी इक्वल टू EA, ठीक, EB इक्वल EA हो गया। तो इस इक्वेशन को हम 2EA cos थीटा भी लिख सकते हैं, 2EB cos थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं,
हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो टोटल फील्ड है वो हो जाएगी 2EA cos थीटा। इस इक्वेशन से हमने ये रिजल्ट निकाला। EA या EB कोई की भी वैल्यू रख दो, यही वैल्यू रख देते हैं। जो हमने निकाला है 2 1/4 πε0 q/r² + a² और cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लीजिए। cos थीटा यहां से क्या हो जाएगा बोलिए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया √r² + a² तो यहां cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 πε0 q/2 हम यही लिए ले रहे हैं, a अपॉन cos थीटा की वैल्यू रख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम वी जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी विच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट दैट वाज इक्वल टू q/2l, ठीक है, q/2l अपॉन अंडर ये cos थीटा की वैल्यू थी और ये हमने यहां पर, ये हमारे पास पहले से था r² + a² ठीक है, यहां तक सही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डायपोल मोमेंट वेक्टर p की, मैग्नीट्यूड में ही लिखे दे रहे हैं। और यहां पावर 1/2 है और पावर 1 है तो 1/2 + 1 3/2 हो जाएगी और q/2a को हमने लिख दिया वेक्टर p मैग्नीट्यूड के साथ और ये पावर हो गई r² + a² 3/2। तो ये हो गई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डाइपोल एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर से जितनी दूर वो डाइपोल का पॉइंट स्थित था वहां से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस की क्यूब के। तो वैसा ही कुछ यहां भी आएगा शॉर्टर डाइपोल के केस में। मेन चीज इस फिगर में या इस टॉपिक में ये है कि आप डायरेक्शन का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, वरना ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है। केवल आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। रटने की पद्धति रखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बस आप इस वीडियो को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइज कर करके अभी देखेंगे। चलिए अब हम फाइनल रिजल्ट, ये हमारे पास निकल गया। अब हम वो एजम्पशन ले लेते हैं जहां पर हम ये मानते हैं कि मान लिया हमारे पास शॉर्टर डायपोल है। इन केस जो r की वैल्यू है वो a से काफी ज्यादा है तो r² will be much greater than a² hence a² can be ignored। चलिए हम इग्नोर करते हैं इसको। तब e वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/4 πε0 मॉड वेक्टर p अपॉन a स्क्वायर खत्म, r² × 3/2 r² का ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा r³। अब ये वैल्यू कांस्टेंट, p कांस्टेंट, केवल r वेरी कर सकता है। Hence for a shorter dipole the electric field varies as the cube of the distance of the point from the equatorial or from the dipole axis। वो equatorial point जो dipole axis से जितनी दूरी पर है उसकी उस distance के cube के inversely proportional होगी electric field for a short dipole। और बिल्कुल यही result हमारा निकला था किसी dipole axis पर, किसी डायपोल एक्सिस पर जो पॉइंट था उसके लिए भी यही निकला था। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में आप उसको पता कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझ के इसको पढ़िए। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थैंक यू।